आज एक बहुत ही एक्साइटिंग सीन चल रहा है मेरे लिए. उसके अंदर एक्टर्स मैं हूँ और मैं हूँ, यानी मैं डबल रोल कर रहा हूँ. एक रजत सरीन है और एक जो है समीर है, जिसने उसे कैप्टिवेट करके रखा हुआ है. दोनों के बीच एक बहुत अच्छा सीन है जिसमें रजत बहुत मार भी खा रहा है, बेचारा बंधा हुआ पड़ा है. तो जो अच्छा रजत है उसे कैप्टिवेट किया गया है और बुरा रजत उसे टॉर्चर कर रहा है, ये सीन कर रहे हैं. देखिए इसमें भी प्यार देखिए दोनों में, वहाँ पर वो किडनैप्ड है, यहाँ पर रजत किडनैप्ड है. लेकिन हाँ, वो एयरफोर्स का बंदा है तो उससे डिफेंस इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कुछ टेररिस्ट ने ये प्लान बनाया है. रजत को किडनैप करने का रीज़न यही है क्योंकि वो एयरफोर्स से है, तो उससे डिफेंस की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं लोग, तो उसे टॉर्चर किया जा रहा है लेकिन वो दे नहीं रहा है इन्फॉर्मेशन. इसलिए अब एक साल हो गया है, उसे छोड़ा नहीं जा रहा है. देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन देता है कि नहीं देता है. रजत के हिसाब से तो अनुष्का मर चुकी है क्योंकि उसे ये न्यूज़ दी गई थी, क्योंकि एक साल पहले रजत यहाँ पर नहीं था जब अनुष्का गिरकर जो न्यूज़ आई थी कि अनुष्का मर गई है, तो उसे भी यही लगता है कि अनुष्का मर चुकी है. समीर मिला था वहाँ क्योंकि जब उसे पता चला कि अनु जिंदा है या अनु जिंदा हो सकती है, तो वो पता लगाने गया कि अनु कहाँ है, अगर है तो उसे फिर से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो वापस आ गई तो इसका भी पर्दाफाश हो सकता है. क्योंकि अनु बता सकती है कि जो हाथ है रजत ने छोड़ा था, यानी कि समीर ने छोड़ा था, लेकिन अनु को तो यही लगेगा कि रजत ने छोड़ा था. अब देखिए, तो डिपेंड करता है क्या होता है, पर ऑब्वियसली सच्चाई की जीत होती है और देखते हैं आगे चलते चलते. घर वालों को खबर लग चुकी है आपको छुड़ाने के लिए कुछ जद्दोजहद चालू? घर वालों को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, ना उन्हें पता है कि अनु जिंदा है, ना ही उन्हें पता है कि ये जो बंदा है वो रजत नहीं है, कोई और है, और वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. जी रजत बन के रह रहा है, किसी को कोई शक नहीं हो रहा, बहुत टैलेंटेड है वो. और कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को? जी, जैसे आपने अपना प्यार हमें दिया है वैसे ही अपना प्यार देते रहिए. शो में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, उन्हें देखिए और इन्जॉय कीजिए, और वी लव यू.